आज हम बना रहे हैं पानी पूरी का पानी। एक तो पानी पूरी का पानी कैरी के साथ बनता है, जो मैं पहले रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसको बना रही हूँ धनिया पुदीने के साथ। ये भी बहुत एक अच्छी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाती है। मैंने धनिया और पुदीने की क्वांटिटी को बराबर रखा है, अच्छी तरह धोने और साफ़ करने के बाद अब इसको मैंने अपनी ट्रे में डाल लिया है। लेमन जूस है। इन सारी चीज़ों के लिए 1 लीटर पानी टोटल यूज़ होगा, जो मैं ये बिल्कुल चिल्ड वाटर है, और जिसमें हम पीसेंगे वो थोड़ा सा मैंने नॉर्मल वाटर लिया, क्योंकि चिल्ड वाटर में पीसना थोड़ा मुश्किल होता है। हरी मिर्च और अदरक, खट्टे मीठे टेस्ट के लिए चीनी, ये पानी पूरी मसाला है। ये सफ़ेद नमक, चाट मसाला, सौंठ पाउडर, काला नमक, हींग और ये धनिया पाउडर। भुना हुआ जीरा भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया धनिया पाउडर के साथ, और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को मिक्सिंग जार के अंदर डाल दें, और फिर हम इसको थोड़ा सा पानी जो हमने नॉर्मल वाटर रखा है उसके साथ इसको हम मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं, इनको अब हम छलनी से छान लेंगे। इसी 1 लीटर पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको छानती जा रही हूँ। अभी ये जो बच गया है इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक बार और मिक्सी में से चला लेंगे और फिर दोबारा छान लेंगे। अब हम पानी को इस जार में शिफ्ट करेंगे। आइस क्यूब्स डाल दें और ये छना हुआ पानी, और इसके साथ ये थोड़ा सा चिल्ड वाटर और मिक्स करेंगे। हमारा गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बना है। अब मैं इसको बूंदी के साथ गार्निश कर रही हूँ, और फिर इसके बाद अब मैं इसको सर्व करूँगी। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ और बूंदी से गार्निश करूँगी। हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार है, जिसको देखते ही मुंह में हर किसी के पानी आ जाता है। आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज हम बना रहे हैं कैरी का खट्टा मीठा पानी, जो गोलगप्पे के साथ भी खाया जाता है, और वैसे भी अगर पी लो खाने के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव और हाजमेदार हो जाता है। जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी को बॉईल करना पड़ेगा। ये कैरी है, इसके लिए मैंने पानी गर्म करना रख दिए। इसके अंदर कुछ नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डालें और कैरी को डाल दें, और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। जैसे ही इसमें 1-2 सीटियाँ आएंगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। कैरी बहुत अच्छे से पक गई है, मैंने इसको हाई फ्लेम पर 2 सीटी दिलवाई हैं। अब हम इसको ड्रेन कर देंगे और इसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसका पानी बनाएंगे। अब हम सबसे पहले इसका छिलका उतार लेते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। छिलका उतारने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के, पानी अभी चिल्ड ना डालें, अभी थोड़ा वैसे ही नॉर्मल वाटर डाल के इसको अच्छे से मसल के इसका सारा पल्प निकाल लें और गुठली को अलग कर लें।
अब पल्प तैयार हो गया, अब हम इसमें जो मसाले डालने हैं वो डालेंगे और फिर इसको मिक्सी में बनाएंगे। चीनी स्वाद अनुसार मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, लेमन जूस, काला नमक और भुना हुआ जीरा, और ये पुदीने की पत्तियाँ, फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, इनको भी डाल दें। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे और फिर ब्लेंड कर देंगे। अभी इसको एक बार और अच्छे से मैश कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं, अब हम इनको छानेंगे। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक एक आइस क्यूब डाल दें। आप देख सकते हैं हमारी एक कैरी के साथ कितना बढ़िया जूस निकल गया, मतलब अगर अच्छे से बनाया जाए तो एक कैरी का भी बहुत अच्छे से उपयोग हो सकता है। अब आप क्या करें, जितना आपको इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, बस थोड़ा सा ये डालें, बाकी का हम शेल्ड वाटर डालेंगे। अब इसमें डालें शेल्ड वाटर। अब इसको हल्का सा ऐसे चम्मच के साथ मिक्स कर दें और देखें कितने बढ़िया हमारी ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक, डाइजेस्टिव ड्रिंक बनके तैयार हो गई, आम का पन्ना या कैरी का पानी। शानदार आम का पन्ना या कैरी का पानी बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपीज को ज़रूर देखें और प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आज हम बना रहे हैं पानी पूरी चाट या गोलगप्पे चाट, जिसके लिए ये गोलगप्पे हैं, ये रेडीमेड गोलगप्पे हैं। आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर दिया है। पानी है पानी पूरी का, जिसको मैंने अभी हाल ही बनाया और इसकी रेसिपी भी मैंने डाल दी है। और ये सेमियां हैं जिसको हम आलू के अंदर मिक्स कर देंगे। मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पानी में सब मसाले डाले हुए हैं, सिर्फ भुना हुआ जीरा और काला नमक, धनिया पत्ती इसको डालेंगे। आलू है ये बॉईल किए हुए, इनको हाथ से ऐसे मैश कर देंगे। अब थोड़ी सी सेवियाँ अपने स्वाद अनुसार मिला दें और मसाले भी आप अपने स्वाद के अनुसार ही मिक्स करें। मसाला तैयार है, अब हम गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। हमारी शानदार गोलगप्पा चाट सर्व करने के लिए तैयार है।